आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ भाई, बैठ 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 बैठ। यही तो दिक्कत है। पूरे बिहार के वार्ड सचिव अध्यक्ष और पूरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहां पहुंचे हैं। ये आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर पुनः 1,14,000 जो पूर्व में आपने काम लिया और गलत तरीका से अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर आपने उसका समायोजन नहीं किया और फिर दूसरी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर उसको ले लिया। हम आज इस सभा से मांग करते हैं अपनी सरकार से, आप दयावान हैं, आप कृपा करिए, हम आज आपसे इस बिहार के उन हर वार्ड सचिव महोदय की भावनाओं को आपसे व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार जननायक की तैयारी, जननायक के रास्ते में जा रहे हैं और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वैसे राजनीति में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरा कोई बहुत ज्यादा विकास माइक ऊपर करो, आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी के साथ मैं जीता हूं, मैंने कभी धुतई और डोगलई सीखा नहीं, जाना नहीं। मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद जिस तरीके से आज भारत की इतिहास को बचाने की जरूरत उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अव्वल है। और ऐसे समय में जब देश नीतीश कुमार को देख रहा है तो मैं मानता हूं ये बीजेपी को लड़ाने के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार एक छत्र नेता है, आगे भी रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल, पीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है? नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बनेंगे तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। सर आप क्या चुनाव, चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए, मेरे लिए सीमांचल मिथिलांचल की मट्टी आंगन तुलसी के तरह है और मेरे आंगन, मेरी मिट्टी को, मेरे आंगन को जो पप्पू यादव का घर और आंगन है, पप्पू यादव के दिल से, खून से, सांस से कोई नहीं निकाल सकता। क्षेत्र मेरा, घर मेरा, आंगन मेरा, मिट्टी मेरी, माँ मेरा, हमें ही कोई अलग कर दे ये औकात इस धरती। आप इंडिया